रेवाड़ी शहर के मोल टाउन स्थित शिशुशाला स्कूल विवाद मामले में अब जिला प्रशासन ने स्कूल चलाने के लिए कोसली एसडीएम कुशल कटारिया को प्रशासक नियुक्त किया है। स्कूल संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करने के बाद संस्था के सदस्य विजय सोमाणी ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि शहर के बीचों बीच शिशुशाला स्कूल वर्षों से चल रहा है, जिसमें कई नामी हस्तियाँ शिक्षा ग्रहण कर चुकी है, लेकिन पिछले 2 साल से स्कूल की जमीन पर विवाद चल रहा है। स्कूल का संचालन करने वाली हरि ज्ञान एजुकेशन सोसाइटी का तर्क है कि यह जमीन किसी के नहीं है, जो स्कूल की मलकियत हकदार थी उनका देहांत हो चुका है, इसलिए स्कूल को बंद ना करके सोसाइटी स्कूल को चलाएगी। वहीं स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल का दावा है कि यह जमीन उनके नाम कर दी गई थी। बहरहाल इस विवाद पर प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और इसी बीच अब प्रशासन ने स्कूल का संचालन करने के लिए प्रशासक नियुक्त किया है। रजिस्ट्रार रेवाड़ी ने एचसीएस कुशल कटारिया जी को, जो एसडीएम कोसली है, उनको कन्वीनर नियुक्त कर दिया है और जो कंट्रोवर्सी है वो सारी समाप्त हो गई है। और ये लंबे समय से आपको मालूम है कि शहर में 2 बहनों ने अपनी कमाई से, अपने पुरुषार्थ परमार्थ से शिशुशाला स्कूल को बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों की नज़र जैसी वो बहनों ने विदाई ली संसार से, तो कुछ लोगों ने इसको प्रॉपर्टी समझकर, स्कूल ना समझकर, कुछ शहर के रेवाड़ी के धन्ना सेठ और कुछ इलाके के ऐसे राव साहब, जो यूँ कहते हैं हम बहुत बड़े आदमी, उन लोगों ने मिलजुल कर, और कुछ राजनीतिक लोगों ने, जिसमें कुछ बीजेपी और कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, इसको खुर्द बुर्द करने के लिए लंबी कवायद चली। आज हमें बहुत राहत की सांस मिली है जब रजिस्ट्रार साहब ने एक एचसीएस अफसर को इसका एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया है। जहाँ कंट्रोवर्सी होती है, जिन संस्थाओं में चौधर की लड़ाई हो जाती है, पैसे की लड़ाई हो जाती है, तो उसका समाधान तो यही है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी उसकी देख रेख करे। ये एक तरीके से जी, अभी आने वाला विधानसभा चुनाव है अगले माह में, उसके बाद राष्ट्रीय नवचेतना मंच ऐसे खुलासे करेगा, समाज को ऐसे लोगों के बारे में बताएगा कि उनकी हैसियत क्या है, उन लोगों ने कितने थोड़े थोड़े पैसे के लालच में संस्था के साथ धोखा करने का काम किया, और वो रिकॉर्ड सारा प्रशासन के पास भी है। मैं रेवाड़ी के प्रशासन से चाहूँगा कि जो एक नकली वसीयत का मामला और पेंडिंग है, जिसके मामले में ऑनरेबल एसडीएम रेवाड़ी ने इंक्वायरी की है और वो डिप्टी कमिश्नर के पास है, उस पर FIR करने की कवायद और शुरू हो, जिससे कि ये पता लगे कि कौन कौन लोग इसको खुर्द बुर्द करने में शामिल रहे हैं। और हमने इस बारे में IGCID श्री अनिल राव को भी लिखा था, और अनिल राव ने एक इंक्वायरी भेजी थी रेवाड़ी जिला प्रशासन को, जो कि अभी तक लंबित है, तो आने वाला वक्त बताएगा। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हम इसमें बड़े खुलासे करेंगे।